नमस्कार मित्रों, जैसा कि बहुप्रतीक्षित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीए द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं, ये परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से हो रही हैं। तो आइए आज हम लोग नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय से संबंधित परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब के रूप में दें। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र का अंग्रेजी पर्याय क्या है? तो नागरिक शास्त्र को अंग्रेजी में सिविक्स कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिविक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो सिविक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटास शब्द से हुई है। तीसरा प्रश्न है, सिविटास शब्द का क्या अर्थ है? तो सिविटास शब्द का अर्थ है नगर राज्य। प्रश्न संख्या चार है, राजनीति शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो राजनीति शास्त्र को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या पाँच है, पॉलिटिकल साइंस किस भाषा के शब्द से निकला है? तो यह लैटिन भाषा के पोलिस शब्द से निकला हुआ है। यहाँ पे नागरिक शास्त्र विषय की बात हो रही है और राजनीति शास्त्र के विषय में हम लोग थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद स्नातक में नागरिक शास्त्र राजनीति शास्त्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग इसे भी तैयार करें। प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप हो रहे हैं, इसलिए आइए प्रश्न संख्या छः को देखें। नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा SN पुरतांबेकर महोदय का है। प्रश्न संख्या सात है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय आते हैं। प्रश्न संख्या आठ है, नागरिक शास्त्र का स्वरूप है? तो नागरिक शास्त्र का स्वरूप है नागरिक शास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। प्रश्न संख्या नौ है, नागरिक शास्त्र की परिभाषा को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो नागरिक शास्त्र की विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम चार वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है नागरिकता का अध्ययन करने वाला शास्त्र, दूसरा है नागरिक कर्तव्यों का अध्ययन करने वाला शास्त्र, तीसरा है अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन करने वाला शास्त्र, और चौथा है नागरिक के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाला शास्त्र। अर्थात जो विद्वानों द्वारा नागरिक शास्त्र की परिभाषा भिन्न भिन्न दी गई हैं, उन सबको हम संयुक्त रूप में चार वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। और यह प्रमुख चार वर्गों में विद्वानों की परिभाषाओं का वर्गीकृत रूप है, आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। प्रश्न इसमें से दे सकता है, कोई प्रश्न चार दे देगा या दो इसमें से दे देगा, आप तैयार रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या दस है, निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, आगनात्मक पद्धति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो आगनात्मक पद्धति के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत अध्ययन का स्वरूप होता है, तो आप इसमें लिखेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर, और यदि आगनात्मक पद्धति का पूछेगा तो आप लिखेंगे
विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रश्न संख्या 12 है। अध्ययन पद्धति का क्या तात्पर्य है? तो अध्ययन पद्धति का तात्पर्य है ज्ञान की खोज में मस्तिष्क की विवेक संगत क्रिया का नाम अध्ययन पद्धति है, यानी कि किसी भी विषय के ज्ञान की खोज में मस्तिष्क की जो विवेक संगत क्रिया होती है उसी को अध्ययन पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप इसे अभ्यास करते रहें जिससे परीक्षा में आपको सफलता मिले। प्रश्न संख्या 13 है, परिवार मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित एक समुदाय है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा अरस्तु की है। प्रश्न संख्या 14 है, मैरिज एंड फैमिली पुस्तक के लेखक हैं। तो मैरिज एंड फैमिली पुस्तक के लेखक निमकाफ महोदय हैं। प्रश्न संख्या 15 है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा मैकाइवर एवं पेज ने दी है। यदि मैकाइवर एवं पेज की पुस्तक का नाम पूछे तो मैकाइवर एवं पेज की पुस्तक का नाम है सोसाइटी अर्थात समाज। समाज नामक पुस्तक के लेखक मैकाइवर एवं पेज हैं। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 16 है, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जिसे हम ब्लूम के टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, तीन वर्गों में। पहला संज्ञानात्मक पक्ष, इसी को हम ज्ञानात्मक पक्ष के रूप में जानते हैं। दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या 17 है, नागरिकता के आवश्यक तत्व कौन कौन हैं? तो नागरिकता के चार प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। पहला राज्य की सदस्यता, दूसरा राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार, तीसरा कर्तव्य पालन की भावना और चौथा है राज्य के प्रति भक्ति। तो आप इसे तैयार करें। प्रश्न आपसे शिक्षण विधियों और सिद्धांतों से भी प्रश्न बनेंगे, जैसा कि प्रथम प्रश्न पत्र में दिया हुआ है, तो आप उसे भी तैयार करते रहें, प्रश्न यहीं से पूछेगा। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 18 है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। प्रश्न संख्या 19 है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान में नागरिकता को किस भाग में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता को भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक रखा गया है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करें, अभ्यास करें, निश्चित रूप से परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। मैं यह प्रयास किया हूँ कि आपको प्रश्न मिले जो कि परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र में भी शामिल हो। आप इन जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के आसपास के जो प्रश्न हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वहाँ आप इन प्रश्नों के अतिरिक्त थोड़ा बहुत इससे संबंधित चीज़ों को देखते रहें और इन प्रश्नों को भी, जिससे कि परीक्षा में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त होती है? तो भारतीय नागरिकता जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, विवाह द्वारा, आवेदन पत्र द्वारा और पंजीकरण द्वारा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदान करने के न्यूनतम आयु जो है
वह 18 वर्ष है। प्रश्न संख्या 23 है, नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप से संभावित सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है, किसने कहा? तो यह कथन अरस्तु महोदय का है। आइए अगले प्रश्न पर विचार किया जाए। प्रश्न संख्या 24 है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं आदर्श नागरिकता की शिक्षा देना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना तथा देश की शासन प्रणाली का ज्ञान कराना। आइए प्रश्न संख्या 25 को देखा जाए। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में नागरिक शास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो भारत में नागरिक शास्त्र का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि वह प्रजातंत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 26 है, क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूररे से हुई है। करिकुलम का अर्थ हिंदी में पाठ्यक्रम होता है। प्रश्न संख्या 27 है, क्यूररे शब्द का क्या अर्थ होता है? तो क्यूररे शब्द का अर्थ है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। प्रश्न संख्या 28 है, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री विद्यार्थी को अपने आदर्श लक्ष्य के अनुरूप अपने कलागृह विद्यालय में गढ़ता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा कनिंगम महोदय की है। आइए प्रश्न संख्या 29 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 29 है, पाठ्यक्रम को मानव जात के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा फ्रावेल महोदय की है। प्रश्न संख्या 30 है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं? तो पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत हैं वे हैं एकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, समन्वय तथा केंद्रीकरण का सिद्धांत, शैक्षिक मूल्य का सिद्धांत, आंतरिक परिस्थितियों का सिद्धांत, समय का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। आइए प्रश्न संख्या 31 को देखें। प्रश्न संख्या 31 है, शिक्षण की पंचपदी प्रणाली के प्रतिपादक थे हर्बर्ट। प्रश्न संख्या 32 है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के पद हैं? तो यह पद हैं प्रस्तावना या उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण तथा प्रयोग। यह हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के पद हैं। प्रश्न संख्या 33 है, शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं? तो शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख चार तत्व हैं लक्ष्य या उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली तथा मूल्यांकन प्रणाली। प्रश्न संख्या 34 है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसका है? तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर महोदय का है। और प्रश्न संख्या 35 है, रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के कितने भाग हैं? तो चार भाग हैं। पहला है अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा है प्रारंभिक व्यवहार, तीसरा है अनुदेशात्मक प्रक्रिया और चौथा है निष्पादन मूल्यांकन। और रॉबर्ट ग्लेसलर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को मोर्साबेल तथा ब्रुसजायस ने कक्षा कक्ष शिक्षण प्रतिमान के नाम से संबोधित किया है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करें जो कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और आपको निश्चित सफलता दिलाएंगे। प्रश्न संख्या 36 है, रॉबर्ट, देखिए वही प्रश्न आ गया, रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को किसने कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान कहा है? तो ब्रूस जॉयस तथा मोर्साबेल ने। प्रश्न संख्या 37 है, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं?
तो शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं वे तीन हैं, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं इसका जो विभाजन किया है वह जैक्सन महोदय ने किया था। आइए प्रश्न संख्या 38 को देखा जाए। इन प्रश्नों को आप तैयार करते रहें, अभ्यास करते रहें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त करें। प्रश्न संख्या 38 है, शिक्षण के कितने स्तर हैं? तो शिक्षण के तीन स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। 39 नंबर प्रश्न है, स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? तो हर्बर्ट महोदय हैं। बोध स्तर के प्रतिपादक कौन है? तो मॉरिसन महोदय हैं। और चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है? तो चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट महोदय हैं। यहाँ से निश्चित तौर से प्रश्न बनने ही बनने हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार करें, निरंतर अभ्यास करते रहें और अभ्यास के माध्यम से आपकी तैयारी निखरती जाएगी और आप निश्चित तौर से सफलता प्राप्त करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 42 है, शिक्षण के संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? तो बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था। प्रश्न संख्या 43 है, शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? तो शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम, क्रैथवाल तथा मसीह ने किया। प्रश्न संख्या 44 है, शिक्षण के मनोक्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? तो सिंपसन महोदय ने किया था। प्रश्न संख्या 45 है, ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए विधि को किसने जन्म दिया? तो रॉबर्ट मेंगर ने। और रॉबर्ट मेंगर ने ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए जिस विधि को प्रतिपादित किया उसे रॉबर्ट मेंगर विधि के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 46 है, शिक्षण के मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखने के लिए किसने विधि प्रस्तुत की? तो इस विधि को रॉबर्ट मिलर विधि के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट मिलर ने शिक्षण के मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखने के लिए विधि प्रस्तुत की थी। प्रश्न संख्या 47 है, शिक्षण उद्देश्यों के सामान्य उद्देश्य तथा शैक्षिक उद्देश्य लिखने की विधि को किसने विकसित किया? तो ग्रुनलुंड महोदय ने विकसित किया था। प्रश्न संख्या 48 है, स्व अनुदेशन के कितनी तकनीक है? तो स्व अनुदेशन के दो प्रमुख तकनीक है, पहला अभिक्रमित अनुदेशन तथा दूसरा कंप्यूटर सह अनुदेशन। आइए अगले प्रश्न पर विचार किया जाए। प्रश्न संख्या 49 है, अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार हैं? तो अभिक्रमित अनुदेशन के तीन प्रकार हैं, रेखी जिसे बायां अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रतिपादक बी एफ स्किनर महोदय हैं। दूसरा शाखीय जिसे कि आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जाना जाता है, इसके प्रतिपादक नॉर्मल ए क्राउडर महोदय हैं। और तीसरा मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, इसके प्रतिपादक थॉमस एफ गिलबर्ट महोदय हैं। प्रश्न संख्या 50 है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक डी एलन महोदय हैं। आइए प्रश्न संख्या 51 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 51 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। यदि आपसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों को पूछता है तो आप इस चक्र को देखें। पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण, आलोचना,
जिसे कि प्रतिपुष्ट के नाम से भी जाना जाता है, पुनः पाठ निर्माण, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्ट। इस प्रकार यह सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण के चक्र हैं। इन चक्रों को आप तैयार कर लें। आप बीए फर्स्ट ईयर में सूक्ष्म शिक्षण जब किए थे तो इसी प्रकार आप अपने कौशलों को विकसित किया होगा, इसलिए आपको तैयार भी होगा, लेकिन आप एक बार इसे रिवाइज कर लें जिससे कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 52 है, फ्लैंडर्स के शाब्दिक व्यवहार की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के प्रतिमान में कितनी श्रेणियां हैं? तो 10 श्रेणियां हैं। प्रश्न संख्या 53 है, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण SSST शिक्षक व्यवहार का वर्गीकरण किसने किया? तो यह वर्गीकरण कार्ल ओपेन शाह ने किया था और उन्होंने 1968 में किया था और इसे 600 पानों में विभाजित किया है। तो आपसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्लैंडर्स के शाब्दिक व्यवहार की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली प्रतिमान में कितनी श्रेणियां हैं? तो 10 श्रेणियां हैं। और अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, जिसे SSST के नाम से भी जाना जाता है, जो शिक्षक व्यवहार का वर्गीकरण किया था, किसने किया था? तो कार्ल ओपेनशाह महोदय ने 1968 ईस्वी में किया था और इसे 600 पानों में वर्गीकृत किया था। आइए प्रश्न संख्या 54 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 54 है, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यदि आपसे पूछा जाए किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है, तो किंडरगार्टन प्रणाली के जनक फ्रावेल महोदय हैं। प्रश्न संख्या 55 है, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के किस ज्ञान से होता है? तो प्रस्तावना कौशल, जो कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख कौशल है, इसका संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से है। प्रश्न संख्या 56 है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। आपको गेस्टाल्ट मनोविज्ञान फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर, जो आपका बाल्यावस्था और अवृद्धि था, वहाँ पर दिया हुआ था और इसके जो प्रतिपादक थे वे गेस्टाल्ट वाले, वे थे आपके सुल्तान पे, जो सुल्तान नामक बनमानुक पर अपना प्रयोग किया था। तो वहाँ से वह बंदर किस प्रकार कमरे में रखी गई छड़ी को जोड़कर और केले को प्राप्त करता है और बॉक्स को इकट्ठा करके बॉक्स के एक बॉक्स के ऊपर दूसरे बॉक्स को रख के ऊपर केला प्राप्त करता था, तो वह जो था वह अधिगम का जो सिद्धांत था वह कोहलर महोदय ने प्रस्तुत किया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कोहलर का सिद्धांत किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो वह पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 57 है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज महोदय हैं। कंप्यूटर से संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित प्रश्न भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे भी ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 58 है, TLM का पूरा नाम बताइए। तो TLM का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री है। प्रश्न संख्या 59 है, खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक काल्डवेल कुक महोदय हैं। प्रश्न संख्या 60 है, ह्यूरिस्टिक विधि खोज विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग महोदय हैं। प्रश्न संख्या 61 है, नागरिक शास्त्र वह शास्त्र है जो सामाजिक निरीक्षणों का प्रयोग समाज सेवा हेतु करता है, किसने कहा? तो यह परिभाषा प्रोफेसर गेट्स महोदय का है। आइए प्रश्न संख्या 62 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 62 है, नागरिक शास्त्र वह शास्त्र है जो अपने पड़ोस की क्रियाओं का विवेचन तथा मनुष्य के कर्तव्य का ज्ञान देता है, किसने कहा? तो यह कथन डॉक्टर बेनी प्रसाद का है। प्रश्न संख्या 63 है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन पद्धतियां हैं। तो नागरिक शास्त्र की प्रमुख अध्ययन पद्धतियां इस प्रकार से है, ऐतिहासिक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और दार्शनिक पद्धति। आइए प्रश्न संख्या 64 पर विचार करें। प्रश्न है, नागरिक शास्त्र किसके समस्याओं के समाधान में सहायक है? तो नागरिक शास्त्र नागरिकों के समस्याओं के समाधान में सहायक है। प्रश्न संख्या 65 है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के व्यक्तिगत उद्देश्य हैं? तो नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रमुख व्यक्तिगत उद्देश्य हैं चारित्रिक विकास करना, मानसिक विकास करना तथा व्यक्तित्व का विकास करना। प्रश्न संख्या 66 है, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है? तो पाठ्यक्रम के निर्माण का जो आधार है वह है दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप रिवाइज करिएगा, अभ्यास करिएगा, जिससे कि परीक्षा में आपको सफलताएं प्राप्त होती रहें। आइए प्रश्न संख्या 67 को देखें। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शास्त्र शिक्षा की विषय वस्तु है? तो प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षा की विषय वस्तु है स्वतंत्रता का इतिहास, राष्ट्रगीत और राष्ट्रवीरता का विकास। यानी कि प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि जिससे हम अपने स्वतंत्रता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपनी राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, शिक्षण कौशलों की संख्या है? तो शिक्षण कौशलों की संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 69 है, शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि है? तो शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि को सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षण कौशल को विकसित किया जाता है। जैसा कि आप लोग बीएड प्रथम वर्ष में सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षण कौशल को सीख चुके हैं। प्रश्न संख्या 70 है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यदि प्रश्न यह पूछे कि भारत के संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा महोदय थे। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए।
प्रश्न संख्या 71 है, ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। प्रश्न संख्या 72 है, भारतीय संविधान देश में कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान देश में 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू किया गया। यदि यह पूछे कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। प्रश्न संख्या 73 है, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कौन होता है? तो नगर निगम या नगर पालिका का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी को मेयर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 74 है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए किया गया शासन है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा अब्राहम लिंकन की है। प्रश्न संख्या 75 है, भारत में किस विश्वविद्यालय में नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में नागरिक शास्त्र विषय प्रारंभ हुआ। इसी के साथ सम्मिलित रूप से समाजशास्त्र का भी अध्ययन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 76 है, नागरिक शास्त्र विषय के जनक कौन है? तो नागरिक शास्त्र विषय के जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 77 है, NCTE का संबंध किससे है? तो NCTE का संबंध अध्यापक शिक्षा से है। प्रश्न संख्या 78 है, शिक्षण मशीन का आविष्कार किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो शिक्षण मशीन का आविष्कार अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय में सिडनी एल प्रेसी ने 1926 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 79 है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट हैं। प्रश्न संख्या 80 और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति यानी कि योजना पद्धति के प्रतिपादक किलपैट्रिक महोदय हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से 80 प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप इन 80 प्रश्नों को तैयार कर लें और जहाँ जहाँ से प्रश्न बने हैं उससे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी देख लें, जो कि परीक्षा में आपको निश्चित सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।